हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ठहराव का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। ठहराव का इंग्लिश मीनिंग होता है स्टैग्नेशन, पॉज और स्टैंड स्टिल। इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, स्टैग्नेशन कैन रिफर टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट सच एज द इंटरप्शन और पॉज ऑफ एन एक्शन। उदाहरण, ठहराव शांति और शांति की अवस्था को संदर्भित कर सकता है, जैसे किसी कार्य की रुकावट या विराम। थैंक यू।